गुड आई एम सी, मैं आपका दोस्त मनीष हाजिर हूँ आई एम सी का एक शानदार और बिल्कुल नया अपकमिंग प्रोडक्ट लेकर, जिसका नाम है आई एम सी का लेमन ग्रीन टी। गाइज, मैं आपको बताऊंगा आई एम सी के लेमन ग्रीन टी से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके लाभ क्या हैं, इसका उपयोग कैसे करना है, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल्स में दूंगा। आगे बढ़ने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की जो घंटी है उसको आप दबा लें। इससे ये फ़ायदा है कि जो अगला वीडियो बनेगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईएमसी ने पेश किया है आईएमसी का शानदार और बिल्कुल नया अपकमिंग प्रोडक्ट लेकर, जिसका नाम है आईएमसी का लेमन ग्रीन टी। गाइस, हम लोग जानते हैं लेमन ग्रीन टी वज़न घटाने के साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जो लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए लेमन की चाय पीना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज की तनाव भरी जिंदगी में चाय किसी दामबार से कम नहीं है। एक कप चाय आपको तरोताज़ा और एक्टिव महसूस कराती है। भारत में अधिकतर लोग सुबह दूध और अदरक वाली चाय पीते हैं, लेकिन रेगुलर चाय के मुकाबले अगर आप लेमन टी चाय पीते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, साथ ही इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। आईएमसी के लेमन ग्रीन टी यानी नींबू की चाय आपकी कई बीमारी से रक्षा करती है। यह वजन घटाने के साथ साथ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड पाचन को दुरुस्त करने में कारगर है। इसमें मौजूद पोषक तत्व हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लेमन टी आपके लिए और किन किन चीज़ों में फायदेमंद साबित होता है। गाइस, आईएमसी का लेमन ग्रीन टी वजन घटाने में कारगर है, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्सीफाई कर ऐसे विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देती है जिसमें वसा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। साथ ही नींबू की चाय आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। ऐसे में आप नियमित तौर पर आईएमसी का लेमन टी का सेवन जरूर करें। गाइस, लेमन टी में मौजूद फ्लेवोनोइड्स शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल रखता है। यह केमिकल शरीर में खून के थक्के को नहीं जमने देता है। कि चाय का रोजाना सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। पाचन तंत्र को करें ठीक। अगर आप आईएमसी के लेमन ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो पाचन तंत्र को यह सुधारती है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जो पाचन को सुधारने में कारगर साबित होता है। साथ ही यह आपके लीवर को भी ठीक रखता है। इस जो लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए लेमन टी एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। नींबू की चाय शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे खून में ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित रहता है। रोज़ाना नींबू की चाय का सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। गाइस, लेमन में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत लेमन टी के साथ करते हैं। इसके स्वास्थ्य फायदों को देखते हुए इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। इसीलिए आज के इस स्टाइल क्रेज के समय में आपको नींबू की चाय पीने के विभिन्न शारीरिक लाभ होते हैं। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार नींबू में शरीर को डिटॉक्स करने का गुण पाया जाता है। साथ ही इसे लो कैलोरी माना गया है, जिसका कारण यह है कि वजन को कम करने में यह सहायक होता है। इसके अलावा नींबू शरीर में वसा कम करने में सहायक होता है। इससे इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाने और हृदय संबंधी रोग के जोखिम कारकों को कम करने में सहायता मिलती है। एंटीबैक्टीरियल में भी काफ़ी लाभदायक होता है। लेमन टी का सेवन अगर कोई कर रहा है तो इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी उनके लिए लाभदायक साबित होता है। गाइस, आईएमसी का लेमन टी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार लेमन टी बनाने में उपयोग किए जाने वाले नींबू में इम्यूनिटी बढ़ाने का गुण पाया जाता है। यह न केवल इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है बल्कि संक्रमण से भी बचाने में काफ़ी हद तक सहायक साबित होता है। गाइस, लेमन टी का उपयोग एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए भी हम कर सकते हैं। दरअसल नींबू में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जिस कारण ये एजिंग प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। हालांकि इस कंडीशन में एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आईएमसी का लेमन टी कॉमन कोल्ड और फ्लू के उपचार कारगर है। कॉमन कोल्ड और फ्लू के असर को कम करने के लिए भी नींबू की चाय काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि नींबू के चाय में प्रयोग होने वाले नींबू के रस में ऐसे गुण पाए जाते हैं, जिसका सेवन करने से ये कॉमन कोल्ड और फ्लू की समस्या को ठीक करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। हालांकि
यह किस प्रकार लाभ पहुंचा सकता है इस पर अभी अधिक वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता है, इसलिए सर्दी और फ्लू के उपचार में इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें। गाइस, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कैंसर की कंडीशन में केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ही सुधार किया जा सकता है। घरेलू उपचार सिर्फ इससे बचाव और मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रभाव को बढ़ाने में कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं। नींबू की चाय का सेवन भी कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। दरअसल नींबू एंटी कैंसर एजेंट के रूप में कार्य करता है। नींबू जैसे सिट्री फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो शरीर को कैंसर से बचाने में मददगार होता है। साथ ही यह कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकने में सहायता करता है। एक बार फिर से एंटीऑक्सीडेंट गुड़ का जिक्र होगा, जो लेमन टी में उपयोग किए जाने वाले नींबू में पाया जाता है। वही एंटीऑक्सीडेंट गुड़ त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में सहायक होता है। गाइस, अगर बात करें कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हम आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि ऊर्जा इसमें यानी पोषक तत्व ऊर्जा है कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कुल सोडियम। पोषक तत्व है ऊर्जा, अगर मात्रा इसकी बात करें प्रति 100 ग्राम में तो 25 कैलोरी आपको मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है 6.67 ग्राम, शुगर कुल इसमें 6.25 ग्राम, सोडियम इसमें 4 mg मिलेगा यानी 4 मिलीग्राम आपको मिल जाएगा। लेमन टी में शुगर की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। लेमन टी बनाते वक्त उसमें कितनी चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है। गाइस, ये तो हो गया IMC के लेमन ग्रीन टी से होने वाले फायदे और उसके लाभ के बारे में। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो लेमन टी का सेवन आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं। लेमन टी को अन्य चाय की तरह गर्मा गर्म पी सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए इसे ठंडा करके भी पी सकते हैं। लेमन टी कब पिए? लेमन टी को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी भी समय आप पी सकते हैं। ध्यान रहे कि सर्दियों में ओल्ड लेमन टी का सेवन ना करें। कितनी मात्रा में पिए? लेमन टी के दिन भर में लगभग 2 से 3 कप मात्रा का सेवन किया जा सकता है। हालांकि इसके सेवन की सही मात्रा की जानकारी के लिए आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो गाइस, ये तो हो गया IMC के लेमन ग्रीन टी का उपयोग कैसे करें। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को IMC के ग्रीन टी से होने वाले फायदे, इसके लाभ, इसके उपयोग के बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में मिली होगी। अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपको डिटेल से मिला है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की जो घंटी है उसको आप दबा लें। इससे ये फ़ायदा है कि जो अगला वीडियो बनेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगर गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड। IMC स्वदेशी अपनाएं, देश को बचाएं।